जब कभी हम किन्हीं भी दो कर्व्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो बच्चों हम उनके इंटरसेक्शन की जानकारी निकालते हैं, हम उनके इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम कभी किन्हीं दो प्लेन्स कि इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो उस केस में भी हम उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स की जानकारी निकालेंगे। और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं बच्चों, वहां पर आपको एक लाइन मिलेगी। बच्चों जब पहले प्लेन ने दूसरे प्लेन को इंटरसेक्ट किया तो यहां क्या मिल रही है, आप नोटिस कर सकते हैं क्या मिल रही है। आप जिस कॉपी को लेकर बैठे हैं उसे भी तो जरा आप देखिए बच्चों, वहां पर भी तो आपको दो प्लेन्स ही नजर आ रहे हैं और वो दोनों प्लेन्स ने जहां कहीं इंटरसेक्ट किया वो और कुछ नहीं बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक सरल रेखा है। और सरल रेखा की इक्वेशन कैसे निकलेगी, जाहिर सी बात है इन दोनों गिवन कर्व्स गिवन प्लेन्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर। तो चलिए साहब एक काम करते हैं, हम अगर कोई दो प्लेन्स दे रखे हैं और हमें उनकी इंटरसेक्शन लाइन निकालनी है तो कैसे काम किया जाएगा। बच्चों पहला प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, आप इन दोनों की इक्वेशंस को एक साथ हल कर दीजिए। बच्चों सपोज कीजिए पहले प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है कुछ ये और दूसरे प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है बच्चों कुछ ये दो प्लेन्स की इक्वेशन आपको गिवन थी और आपको क्या करना था, इनकी जो इंटरसेक्शन लाइन थी, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा थी, इसकी समीकरण ज्ञात करनी थी। क्या करेंगे बच्चों, इस केस में हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ हल कर देंगे और एक साथ हल कर देंगे यानी कि x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो और बच्चों क्या 3x प्लस फोर वाई माइनस जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ हल कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये इन दोनों को एक साथ हल करने से आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स का सेट मिल जाएगा जो कि एक सरल रेखा के रूप में आ रहा है, मतलब सरल रेखा की समीकरण आ जाएगी। तो ये बच्चों ये प्लेन और ये प्लेन कि इक्वेशंस को जब इस तरह से आपने लिख दिया तो ये और कुछ नहीं बच्चों, इनकी इंटरसेक्शन लाइन की ही इक्वेशन है। पर ये जो इक्वेशन का लिखने का तरीका है इसे हम कहते हैं लाइन की अनसिमेट्रिकल फॉर्म बच्चों, उसका असममित रूप। पर मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर सिमेट्रिकल फॉर्म लिखना सीखना है, किस तरीके से सममित रूप लिखा जाता है। आई रिपीट बच्चों, जब दो प्लेन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, पहला प्लेन ये रहा दूसरा प्लेन ये रहा, इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये लाइन मिली, आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है दोनों इक्वेशंस को एक साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, दोनों को एक साथ लिख दिया तो वो इनकी इंटरसेक्शन लाइन आ गई। अरे बच्चों पर ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है और मुझे क्या करना है, मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म लिखनी है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, एक काम कीजिए, ये जो लाइन इंटरसेक्शन लाइन जो थी इसके डीआरएस आप सपोज कर लीजिए एबीसी। क्या सपोज करें मैंने, लेट डीआरएस ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, लेट डीआरएस ऑफ इंटरसेक्शन लाइन आर ए बी एंड सी। माना कि इनकी प्रतिच्छेदी रेखा के दिक अनुपात क्या बच्चों, एबीसी मान लिया मैंने, पर इनकी इंटरसेक्शन लाइन के डीआरएस मैंने मान लिए एबीसी। अब जरा दिमाग लगाइए, ये जो लाइन है बच्चों वो इंटरसेक्शन जो लाइन थी वो इन दोनों के प्लेन में थी भाई, इस पहले वाले प्लेन की चलिए बात करते हैं, वो प्लेन में लाई कर रही है भाई, ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये किस में लाई कर रही है, प्लेन में, कौन से प्लेन में जो आपको गिवन है। अब लाजमी है बच्चों जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो इस इंटरसेक्शन लाइन पर भी नॉर्मल होगा भाई, ये रहा प्लेन जो आपको गिवन था और ये रही इंटरसेक्शन लाइन भाई, इस प्लेन को क्या करा बच्चों, इस प्लेन ने इंटरसेक्ट किया इंटरसेक्ट। अब ये जो इंटरसेक्शन लाइन बनेगी, ये जो इंटरसेक्शन लाइन बनेगी वो इन दोनों प्लेन्स में होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, अब प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर भी नॉर्मल होगा, इस लाइन के डीआरएस क्या सपोज करें आपने, इंटरसेक्शन लाइन के डीआरएस
आपने एबीसी सपोज कर लिए, आपके सामने लिखे, और प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस इंटरसेक्शन लाइन पर भी नॉर्मल होगा। भेजा लगाइए, थ्री डी में थोड़ा सा सोचना है, काम बड़ा सरल है बच्चों। भाई मुझे किसी लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे उस लाइन के डीआरएस पता होना जरूरी है और उस लाइन पर किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है। भाई ये मुझे मालूम पड़ जाए कि लाइन ब्ला ब्ला पॉइंट से जाती है, लाइन के डीआरएस पता है, तो फटाफट काम हो जाएगा। वही मुझे यहां पर करना है। सो आप जरा खोपड़ी लगाइए कि मैंने इस इंटरसेक्शन लाइन के डीआरएस सपोज कर लिए एबीसी मान लिए, अब प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस इंटरसेक्शन लाइन पर भी नॉर्मल होगा। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए होगा ये, अब प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस क्या है, वन टू और माइनस थ्री। भाई प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस है वन टू माइनस थ्री, और इस लाइन के डीआरएस क्या है, इस लाइन के डीआरएस आपने ये मान लिए। सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। आई रिपीट बच्चों, ये जो लाइन है वो ये इस प्लेन में है, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस इंटरसेक्शन लाइन के भी नॉर्मल होगा। सो यहां पर क्या होगा, इस प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस है वन टू माइनस थ्री, और इस लाइन के डीआरएस क्या है एबीसी। सो ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से बच्चों आप जरा दिमाग लगाइए, ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये सेकंड वाले प्लेन में भी है। भाई एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, और ये रही लाइन। अब ये लाइन प्लेन में थी, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इंटरसेक्शन लाइन के नॉर्मल, इंटरसेक्शन लाइन के भी नॉर्मल होगा। और इस लाइन के डीआरएस क्या सपोज करें आपने एबीसी, इस लाइन के डीआरएस आपने एबीसी सपोज करें, और प्लेन पर नॉर्मल के डीआरएस आपको पता है। सो जो प्लेन पर नॉर्मल है वो इस इंटरसेक्शन लाइन पर भी नॉर्मल है, क्योंकि लाइन तो प्लेन में ही है। तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक इसी तरह से ये जो लाइन है ये सेकंड वाले प्लेन में भी है, और सेकंड वाले प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, सेकंड वाले प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस इंटरसेक्शन लाइन के भी नॉर्मल होगा, क्योंकि लाइन अल्टीमेटली इसी प्लेन में है। तो यही कंडीशन बच्चों सेकंड वाले प्लेन के लिए भी लगेगी। तो और सेकंड वाले प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस क्या है, थ्री फोर और माइनस फाइव, नहीं माइनस वन, सॉरी थ्री फोर और माइनस वन। तो यहां पर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों ये आपके पास में एबीसी में दो रिलेशन आ गए, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। सो ए यहां पर क्या होगा, ये माइनस टू और चार तीया बारह इज इक्वल टू माइनस बी, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस वन, और ये तीन तीया नौ, ये आ चुका, और इज इक्वल टू क्या बच्चों सी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार और तीन दोना छ, और इज इक्वल टू लेमडा। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, टेन लेमडा, अब बी की वैल्यू होगी बच्चों माइनस एट लेमडा, और सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों माइनस टू लेमडा। सो दीज आर दी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब आपके पास में इस लाइन के डीआरएस तो आ गए, इस लाइन के डीआरएस आपके पास में आ चुके। अब लाइन की क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बोला बच्चों आपको लाइन के डीआरएस चाहिए, माशाल्लाह आ चुके, और लाइन पर आपको कोई एक पॉइंट मिल जाए। अब जरा लाइन पर कोई पॉइंट कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग लगाइए बच्चों। एक बात आप समझिए कि ये तो अभी मैंने बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड का एक कन्फाइंड रीजन है, उस रीजन में मैंने प्लेन्स बना दिए। इन प्लेन्स को मैं थोड़ा सा छोटा करके भी बना सकता था, थोड़ा सा बड़ा करके भी बना सकता था, आई कुड ड्रॉ इन स्मॉलर वे इन लार्जर वे। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये प्लेन्स कितनी एरिया के हैं, ये प्लेन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, ये तो इनफाइनाइट एरिया के, ये प्लेन यहीं पे आगे खत्म नहीं होगा, ये प्लेन आगे बढ़ता जाएगा, ये प्लेन आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, राइट में भी जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगा। और जब ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को कट करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसी लाइन पर, क्योंकि ये प्लेन जब ऐसा रहेगा तो ये प्लेन ऐसे पीछे की तरफ भी बढ़ेगा, ये प्लेन ऐसे पीछे की तरफ भी बढ़ेगा, ये प्लेन ऐसे ऊपर भी जाएगा, ये प्लेन ऐसे नीचे भी जाएगा, ये ऐसे भी जाएगा। ऐसे ही ये प्लेन ऐसे पीछे भी आया, इधर भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया। तो ये प्लेन कितने एरिया के, इनफाइनाइट एरिया के हैं। अब जब ये इनफाइनाइट एरिया के हैं तो ये लाइन भी इनफाइनाइट लेंथ की होगी। जब ये प्लेन्स इनफाइनाइट एरिया के हैं तो लाइन भी इनफाइनाइट लेंथ की होगी, क्योंकि ये प्लेन्स तो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो लाइन आपको मिलेगी बच्चों ये इनफाइनाइट लेंथ की मिलेगी, और अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की मिलेगी तो जाहिर सी बात है बच्चों ये लाइन कभी ना कभी तो एक्स वाई प्लेन को कट करेगी,
कभी ना कभी तो वाई जेड प्लेन को कट करेगी और कभी ना कभी तो ये लाइन बच्चों जेड एक्स प्लेन को कट करेगी। जरा दिमाग लगाने की बात है बच्चों, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होगी कभी ना कभी एक्स वाई तल को, वाई जेड तल को और जेड एक्स तल को प्रतिच्छेद करेगी। दिमाग लगाइए, करेगी। और जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो वो कैसे निकालेंगे भाई? अगर मान लीजिए, हो सकता है कि अगर आप बोले सर एक्स वाई प्लेन के पैरल हो सकता है वाई जेड प्लेन के पैरल कभी कट ही नहीं करे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो अगर पैरल भी होगी तो वो जो हम अभी करने वाले हैं उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि पैरल है या नहीं है। अब लगे आप तो एक और बात समझिए बच्चों, यहां ये जो लाइन है ये प्लेन में लाई कर रही है, ये जो लाइन है ये प्लेन में लाई कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली वो इन दोनों प्लेन्स पर भी होंगे। इस इंटरसेक्शन लाइन पर, इस प्रतिच्छेदी रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो इन समतलों पर भी होंगे, मतलब वो इन समतलों की समीकरणों को भी संतुष्ट करेंगे। इस लाइन पर तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशंस को इन दोनों प्लेन्स को भी सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लेन्स में है। भई ये लाइन किस में है? लाइन प्लेन में है। लाइन प्लेन में है तो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली वो प्लेन पर भी होंगे, तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं जहां कहीं ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगी वहां पर जेड क्या हो जाएगा। ये लाइन मैंने आपको जैसा बताया, ये लाइन कितनी लेंथ की है? इनफाइनाइट लेंथ की है। इनफाइनाइट लेंथ की है, अनंत लंबाई की है, तो कभी ना कभी तो ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगी। सो व्हेन इंटरसेक्शन लाइन, जो आपको निकालनी है, व्हेन इंटरसेक्शन लाइन इंटरसेक्स और यू कैन से मीट्स एक्स वाई प्लेन, देन क्या होगा बच्चों? उस स्थिति में जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब कभी ये इंटरसेक्शन लाइन, ये जो लाइन थी ये वाली, ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगी तो जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब जेड जीरो होगा तो क्या होगा बच्चों? जेड जीरो होगा तो जेड किसके किसके लिए जीरो होगा? वो इन दोनों प्लेन्स के लिए जीरो होगा। क्यों? क्योंकि लाइन, सपोज कीजिए इस जगह पर जाकर लाइन ने एक्स वाई प्लेन को कट करा, सपोज इस जगह पर एक्स वाई प्लेन को कट करा, तो जब एक्स वाई प्लेन को कट करा तो जेड इक्वल्स टू जीरो आया और ये पॉइंट इस लाइन पर है और ये लाइन प्लेन्स पर है, तो नेचुरल सी बात है बच्चों ये पॉइंट प्लेन पर भी है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, x प्लस टू वाई और माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो आपके पास में जो प्लेन की इक्वेशन है वो कुछ ऐसी होगी, और वैसे ही ये जो पॉइंट होगा जेड इक्वल टू जीरो वाला वो इस पर भी लाया करेगा, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस जीरो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बच्चा, तो एक्स कैसा निकलेगा आपके पास में? आप इसमें काम कीजिए, टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, और ये तो आपके पास में ऑलरेडी था थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अगर आपने पुट कर दिया यहां पर तो ये माइनस थ्री प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्विंग दिस विल गिव यू टू वाई इक्वल टू टू, सो दैट वाई इक्वल टू वन। सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस थ्री कॉमा वन कॉमा जीरो। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जहां पर इंटरसेक्शन लाइन ने एक्स वाई प्लेन को कट किया था। आपके पास पे लाइन पर कोई पॉइंट आ चुका है, आपके पास में लाइन के डीआरएस आ चुके हैं, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी बच्चों? इक्वेशन निकलेगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ये लीजिए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, वो ये, और इज इक्वल टू क्या बच्चों? जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और इन दोनों में इन तीनों में से इनफैक्ट टू लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, आपके पास माइनस टू लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या आएगा बच्चों? एक्स प्लस थ्री अपॉन क्या होगा? माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या? वाई माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू क्या? जेड अपॉन वन। होप मैंने सारा कैलकुलेशन वर्क सही किया। मैं फिर से समझाता हूं बच्चों, हमने जब कभी दो प्लेन्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा तो मतलब यह है कि हमने उनके इंटरसेक्शन की जानकारी निकाली, और जब दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो बच्चों वहां और कुछ नहीं, वहां पर एक लाइन मिल रही है। आपको उस लाइन की
सिमेट्रिकल इक्वेशन निकालनी है, यानी कि वो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वाली फॉर्म निकालनी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, पर ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहलाएगी। पर आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल फॉर्म लिखनी है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे बच्चों, मतलब आप समझ गए लाइन की इक्वेशन को कैसे निकालना है। सो सिंपल, आपको इंटरसेक्शन लाइन निकालनी है। तो आपने क्या करा बच्चों, ये जो इंटरसेक्शन लाइन थी इसके डीआरएस मान लिए एबीसी। अब ये इंटरसेक्शन लाइन, ये जो पेन है ये इनकी इंटरसेक्शन लाइन हो गई, हो गई पहला प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये। अब ये इंटरसेक्शन लाइन, अब आप जरा दिमाग लगाइए, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो इस इंटरसेक्शन लाइन के भी नॉर्मल है, क्योंकि लाइन अल्टीमेटली प्लेन में है, लाइन प्लेन में है। तो जो प्लेन प्लेन पर नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर भी नॉर्मल होगा। अब प्लेन पर नॉर्मल क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है 1, 2, -3। प्लेन पर नॉर्मल क्या है, 1, 2, -3। और लाइन के डीआरएस क्या है, एबीसी आपने सपोज करे हैं। सो ए वन इंटू ए टू, बी वन इंटू बी टू, सी वन इंटू सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक हो गया। और ऐसे ही आप दूसरे प्लेन के बारे में बात करिए, दूसरे प्लेन में लाइन, ये लाइन दूसरे प्लेन में भी है, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो इस लाइन पर भी नॉर्मल है, है बिल्कुल है। सो हमने यहां पर बच्चों प्लेन पर नॉर्मल का डीआरएस ये, सो इसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से ये आपके पास में किसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इस इंटरसेक्शन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब जरा दिमाग लगाइए, ये प्लेन हमने बनाए तो इतने छोटे छोटे से हैं, अदरवाइज तो खूब बड़े हैं, और खूब कितने, इनफाइनाइट बड़े हैं। तो ये लाइन भी खूब बड़ी है, तो लाइन कभी ना कभी जाकर तो एक्स वाई प्लेन को कट करेगी। जब कभी ये एक्स वाई प्लेन को कट करेगी वहां पर जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जेड इक्वल टू जीरो हो गया। और एक और बात है बच्चों, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली वो इन दोनों प्लेन्स पर भी हैं, तो वो प्लेन्स की क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो वन एवर दिस लाइन इज गोइंग टू कट एक्स वाई प्लेन, देन जेड इज गोइंग टू बी जीरो, नॉट ओवर द इंटरसेक्शन लाइन ओनली बट ऑल्सो ऑन बोथ द प्लेन्स, बिकॉज इंटरसेक्शन लाइन इटसेल्फ इज लाइंग इन द प्लेन, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा उन समतलों में ही है। सो प्रतिच्छेदी रेखा पर जो भी कोई बिंदु होंगे वो समतलों के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। सो वन एवर दिस लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन, जेड इक्वल टू जीरो होगा। तो जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दिया आपने इसमें और इसमें, तो आपके पास में आ गया। सो अब आपने दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। सो आपके पास में ये उस इंटरसेक्शन, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जहां पर जाकर इस लाइन ने एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट किया, एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट किया। तो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से आ गए, और ये पॉइंट लाइन पर है। तो लाइन पर अगर आपको पॉइंट मालूम है, लाइन के डीआरएस आपको पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने ये सारा काम किया तो कई लोगों के दिमाग में आगा, सर क्या ये जरूरी है कि हम उसको एक्स वाई प्लेन को ही कट कराएं, हम एक्स वाई प्लेन को कट ना, भाई एक्स वाई प्लेन को ही कट करें, वाई जेड नहीं ले सकते? बिल्कुल आप वाई जेड ले लीजिए, तो वाई जेड प्लेन भी ले सकते हैं, ये लीजिए आप वाई जेड प्लेन ले लीजिए। अब जहां वाई जेड प्लेन को कट करेगी वहां पर ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और वो जो पॉइंट होगा ना वो इनकी लाइन पर भी लाई करेगा। वो जो पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू जीरो, वो जो लाइन पर जो पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली बात है वो प्लेन पर भी लाई करेगा। तो प्लेन पर लाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। सो 2y - 3z प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये लीजिए। और फिर बच्चों यहां पर अगर करेंगे तो ये क्या 4y - z प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो y और z कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और x कोऑर्डिनेट जीरो। तो उस तरीके से आपके पास में भाई आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जेड आ जाएगा आपके पास में, फिर वाई आ जाएगा। ऐसे आपके पास में वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जीरो, और जो वाई आया, जो जेड आया, वो आपके पास आ गया, वो आपने रख दिया लाइन की क्वेश्चन के लिए। डायरेक्शन रेशो आप वहां से निकाल चुके, तो ऐसे निकाल दीजिए। जैसे मैंने वाई जेड करा, ऐसे ही मैं वाई जेड की जगह क्या कर सकता था, जेड एक्स। अब जेड एक्स करूंगा तो नेचुरल सी बात है वाई जीरो हो जाएगा, तो वाई को जीरो करके आपके पास में एक्स और जेड में क्वेश्चन बनेगी। यहां पर आप वो कर लीजिए, आपके पास में उससे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई प्लेन को या वाई जेड प्लेन को या जेड एक्स प्लेन को ही कट कराओ भाई। हाँ, लगे हाथों में एक और बात बताऊं कि अगर भी दिमाग में आए कि सर वो एक्स वाई प्लेन के पैरल हुई, तो एक्स वाई प्लेन के पैरल हुई तो फिर वो तो कभी कट करेगी नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो कट करेगी तो वो अपने आप आएगा। अगर मान लीजिए एक्स वाई प्लेन के पैरल हो गई, मतलब जो है वो अगर एक्स वाई प्लेन के पैरल हो गई है तो अपने आप उससे हमारे पास में आएगा कि एक्स वाई प्लेन को कभी कट नहीं करेगी, मतलब कभी जेड इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो जेड इक्वल टू जीरो आप रखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं इस तरह का। तो वो डरने वाली बात नहीं है भैया कि अगर वो सारा ऐसा कभी हुआ कि वो एक्स वाई प्लेन के पैरल हो गई तो, अरे भाई एक्स वाई प्लेन के पैरल हो गई तो एक्स वाई प्लेन ये वाला होता है। अब इसके पैरल हो गई
तो लाजमी है बच्चों वो एक्स वाई प्लेन को कभी कट नहीं करेगी, तो कभी जेड इक्वल टू जीरो हो ही नहीं पाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो वो अपने आप उस कैलकुलेशन में अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो वो अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बट हम या तो उसे एक्स वाई प्लेन में कट करा दीजिए या वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स में। और अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि आप इनमें से किसी प्लेन में कट कराएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि व्हेन इंटरसेक्शन लाइन इंटरसेक्स अ प्लेन एक्स इक्वल टू थ्री, इसको भाई इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं एक्स इक्वल टू जीरो हुआ होगा या कभी ना कभी y इक्वल टू जीरो हुआ होगा या कभी ना कभी जेड एक्स इक्वल टू जीरो हुआ होगा, जिसके बेसिस पर अभी मैंने तीन तरीके से आपको लिख के बताया। भाई जरूरी है क्या कि जीरो वाले ही लो, आप हो सकता है वो एक प्लेन आपने ले लिया कि ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये जब x इक्वल टू थ्री को कट करेगी तो x इक्वल टू थ्री को कट करेगी, मतलब इस लाइन पर कभी ना कभी इस लाइन पर कभी ना कभी तो x इक्वल टू थ्री आया होगा और वो जो पॉइंट आया होगा लाइन पर ऑब्वियसली वो इन दोनों प्लेन्स पर भी आएगा क्योंकि लाइन अपने आप में प्लेन में है। तो लाइन पर जो भी पॉइंट है बच्चों वो प्लेन में है, तो x इक्वल टू थ्री पुट कर देंगे तो ये थ्री प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ऐसे यहां पर तीन तीन नौ प्लस फोर वाई माइनस जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में भाई इस बार एक्स कोऑर्डिनेट तो आपने थ्री ले लिया है और वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा जेड कोऑर्डिनेट जो आएगा तो आपके पास में वो पॉइंट आ जाएगा जहां कहीं इसने एक्स बराबर थ्री पे कट करना है या x बराबर 3 को कट करना है या प्लेन x इक्वल टू 3 को कट करना है। अब आपके पास में वो पॉइंट आ चुका है, आपके पास में DRS आ चुके हैं, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझना होगा, अच्छा मैंने x इक्वल टू 3 ले लिया, y इक्वल टू 3 ले लीजिए और 3 लिया ऐसा जरूरी कि रूट 3 ले लीजिए, ऐसा जरूरी कि 2 ले लीजिए माइनस 2 ले लीजिए। तो ऐसे तो बच्चों लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उनमें से कहीं ना कहीं x बराबर 1 हुआ होगा या y बराबर 1 हुआ होगा या z बराबर 1 हुआ होगा या माइनस 1 हुआ होगा वगैरह वगैरह वगैरह। So, किस तरीके से दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा का सममित समीकरण ज्ञात किया जाता है, होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। बच्चों इसे जरूर कॉपी कर लीजिए, एक सम और करते थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। हमें कहा है कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म, आपको बोला है कि निम्नलिखित रेखा का सममित रूप लिखिए बच्चों x प्लस टू वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। आपको इस लाइन की इक्वेशन का सिमेट्रिकल फॉर्म लिखने को बोला है, बच्चों वीडियो को रोक करके खुद से कीजिएगा हाउ टू कन्वर्ट अ सिमेट्रिकल फॉर्म इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। बच्चों आप देखिए यहां पर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, अब जब ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर एक लाइन मिलेगी और आपको उस लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म लिखनी है। अभी आपको जो फॉर्म दे रखी है वो कौन सी फॉर्म दे रखी है, असिमेट्रिक। भाई आप अगर यहां इसको ऐसा कर देते हैं, ये लीजिए, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, असिमेट्रिक। अब चलिए ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन, रहा बच्चों पहला प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, आपको इनकी इंटरसेक्शन लाइन निकालनी है। सो क्या करेंगे, वही किसी पुलटी सी बात, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, विच लाइन, ऑब्वियसली दिस इंटरसेक्शन लाइन आर ए बी एंड सी। महाराज प्रतिच्छेदी रेखा के दिग्गज अनुपात ए बी सी है, मैंने मान लिया एबीसी है। अब बच्चों ये रहा वो प्लेन और ये रही लाइन जिसकी क्वेश्चन आपको निकालनी थी। अब इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो इस इंटरसेक्शन लाइन के भी नॉर्मल होगा, और लाइन के डीआरएस क्या है एबीसी और प्लेन पर नॉर्मल के डीआरएस क्या है थ्री फोर माइनस फाइव। सो आपके आपको क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा थ्री ए प्लस फोर बी माइनस फाइव सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो लाइन थी वो प्लेन में थी और नॉर्मल ये है, प्लेन में प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो लाइन पर भी होगा क्योंकि लाइन फिर वही किसी भी किसी बात प्लेन में है। सो या अब जो पिक्चर मैंने फर्स्ट प्लेन के लिए करी वही पिक्चर सेकेंड प्लेन के लिए, और ये सेकंड प्लेन पे नॉर्मल, ये सेकंड प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा क्योंकि लाइन प्लेन में है। सो क्या होगा, यहां पर आएगा आपके पास में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो बच्चों, ए अपॉन फोर फोर जार सिक्सटीन टू फाइव जार टेन, वेल एंड गुड,
इज इक्व टू माइनस बी, और ये क्या होगा 3 4 आर माइनस 12 प्लस 5। होप मैं कैलकुलेशन वर्क सही कर रहा हूं। और सी अपॉन क्या भैया 3 × 6 माइनस 4 इज इक्व टू लेमडा। ये लीजिए, यहां से ए की वैल्यू माइनस 6 लेमडा, बी की वैल्यू 7 लेमडा और सी की वैल्यू 2 लेमडा, ये आ गया। अब ये तो आपके पास में किसके डीआरएस आ गए, इस लाइन के, लेकिन लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए आपको लाइन पर कोई भी पॉइंट मिल जाए आपका काम हो जाएगा। सो ये लाइन कितनी लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है, और ये कभी ना कभी जाकर एक्स वाई प्लेन को या वाई जेड प्लेन को या जेड एक्स प्लेन को कट करेगी। चलिए मैं वही मान लेता हूं, वेन इंटरसेक्शन लाइन, ऑब्वियसली कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्शन लाइन, वेन दिस लाइन मीट्स एक्स वाई प्लेन, जब बच्चों ये एक्स वाई प्लेन को कट करेगी देन क्या होगा, तो बच्चों जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इसमें, तो ये इनमें क्यों पुट कर रहा हूं भाई, ये जो लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ये लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्लेन में भी है, तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो ये रहा, और ये जो रहा ऐसे ही इसमें भी रहेगा, क्योंकि वो पॉइंट सेकेंड प्लेन में भी, तो वो सेकेंड प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो ये आपके पास में आया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका यही है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चों ये 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये 2x प्लस 4y प्लस 2 5 इज 10 हो गया बच्चों, और ये माइनस माइनस माइनस, होप मैंने सही किया। अब यहां से x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4 आपके पास में जो आया उसे आप यहां रख दीजिए, तो 4 और 5 होंगे 9, और y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों इससे माइनस 9 बाय 2। सो द पॉइंट वेयर दिस लाइन विल मीट एक्स वाई प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x का कोऑर्डिनेट होगा y माइनस 4, y का होगा माइनस 9 बाय 2, और ये, सो दिस इज द पॉइंट टू विच लाइन इज पासिंग। तो लाइन आपके पास में आ चुकी है बच्चों। अब लाइन का डीआरएस क्या है वो रख दीजिए, ये आपके पास में y माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये है 7 लेमडा, और इज इक्वल टू क्या बच्चों जेड माइनस 0, और अपॉन में क्या 2 लेमडा। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी विल गेट एक्जैक्टली ऑफ दिस इंटरसेक्शन लाइन। प्रोबेबली यू पीपल हैव गॉट द थिंग एक्चुअली विच एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक ऑफ। So, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों किस तरीके से इनकी प्रतिच्छेदी रेखा की समीकरण ज्ञात की जाती है। मैंने माना कि ये एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, मैं वाई जेड प्लेन को भी कर सकता था, मैं फिर बोल रहा हूं मैं जेड एक्स प्लेन को भी कर सकता था, जो कि यूजुअली जो वो बुक्स में जो तरीका दे रखा होता है वो यही होता है, इसलिए मैंने ये कर दिया। तरीका मतलब वो यही पॉइंट लिया करते हैं इसीलिए, अदरवाइज ये भी जरूरी नहीं कि आप जेड इक्वल टू 0 पुट करें, आप जेड इक्वल टू 5 ले सकते थे, भाई जेड इक्वल टू माइनस 1 ले सकते थे, और वो 0 ले देने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और जेड ही लेना है ऐसा भी जरूरी नहीं, भाई वाई भी ले सकते हो एक्स भी ले सकते हो। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी। सो किस तरीके से किन्हीं दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा का सममित रूप या प्रतिच्छेदी रेखा की समीकरण ज्ञात की जाती है आपको समझ में आ चुका होगा। एक और सम कर लेते हैं, डिटरमाइन एंगल बिटवीन फॉलोइंग टू लाइंस, निम्नलिखित दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए। पहली लाइन आपको दे रखी है एक्स प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 7, और दूसरी लाइन आपको दे रखी है बच्चों 2x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1। इन दोनों रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, हमें यहां पर उन इंटरसेक्शन लाइंस के बीच का एंगल बताना है। देखिए आपको पता है जहां ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर एक लाइन बनेगी, जहां ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर एक लाइन बनेगी, ऐसे ही जहां पर ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर भी एक लाइन बनेगी, और आपको उस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो क्या करें भाई, आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको उनके डीआरएस चाहिए। सो मैं काम करता हूं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगी उसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन मतलब क्या, इन दोनों की प्रतिच्छेदी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज मैंने मान लिए ए1 बी1 सी1।
मान लिया बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन आर A1 B1 C1 माने, सो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरे के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि फिर वही घिसी पिटी सी बात है भैया, ये जो लाइन जिसके DRS A1 B1 C1 माने ना, वो इस प्लेन में है। जिस लाइन के आपने DRS A1 B1 C1 माने हैं वो इस प्लेन में है, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर भी नॉर्मल होगा। भेजा लगाइए, प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस क्या है ये, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस क्या है A1 B1 C1। सो जो प्लेन पर नॉर्मल वो इस लाइन पर नॉर्मल, और लाइन के DRS A1 B1 C1 और प्लेन पर नॉर्मल के ये, सो ये आपके पास आया। ऐसे दूसरा प्लेन लीजिए, दूसरे प्लेन में जो लाइन है, ये लाइन दूसरे प्लेन में भी है। अब इस लाइन के DRS है A1 B1 C1 और प्लेन पर नॉर्मल का DRS है वो ये, तो ये। अब यहां से A1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 × 4 माइनस 3 × 12 माइनस माइनस प्लस माइनस B1, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 9 माइनस का, और इज इक्वल टू C1। और यहां पर क्या होगा बच्चों, 4 × 3 = 6 यहां से A1 की वैल्यू आ जाएगी 16 लेमडा 1, मैंने लेमडा 1 माना, ध्यान दीजिएगा बच्चों। B1 की वैल्यू आ गई 7 लेमडा 1 और C1 की वैल्यू आ गई बच्चों 10 लेमडा 1। सो ये आपके पास में फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपने माने थे, उससे बेसिस पे ये आ गया। ऐसे ही आप सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए बच्चों। इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको लाइंस की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप खामखा वो पॉइंट भी माने xy बराबर 0 या yz बराबर 0 या zx बराबर 0, वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो दोनों लाइंस के बीच एंगल निकालना, और दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना मतलब आपको केवल डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। आपको केवल क्या निकालने, डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो आपने केवल डायरेक्शन रेशियोज निकाल के कर दिया। अदरवाइज फिर यहां पर व्हेन दिस लाइन विल इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन या ब्ला 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 जो हम करते थे, वो काम का काहे टाइम वेस्ट करें। अब ऐसे दूसरी लाइन के बारे में बात करें, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन आर, जो सेकेंड लाइन है बच्चों उसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 सपोज कर लिए। अब A2 B2 C2 सपोज करेंगे तो 2A2 प्लस 4B2 ये आया। A2 B2 C2 सपोज करें तो वो ये आया, क्यों आया, क्योंकि फिर वही बात बच्चों, लाइन जिसके DRS A2 B2 C2 है वो इस प्लेन में है, लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 है वो इस प्लेन में है, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर भी नॉर्मल होगा। प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर भी नॉर्मल होगा, इसीलिए। और ऐसे दूसरे वाले में A2 हो प्लस B2 हो प्लस C2 क्या होगा बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ऐसे वहां पर पिक्चर बनेगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके A2 निकालिए, सो A2 क्या होगा, 4 × 16 3 × 5 = 15 बहुत बढ़िया है। और B2 के टाइम पर अगर हम देखें तो 2 × 8 और 5 × 5 माइनस का प्लस हो गया वो, और C2 और यहां पर क्या होगा 2 × 3 = 6 माइनस 4। मैंने सही करा है, बिल्कुल सही करा है, ये लेमडा 2 मान लिया। अब इससे A2 की वैल्यू आ गई आपके पास में 31 लेमडा, अब B2 की वैल्यू आ गई माइनस 13 लेमडा और लेमडा 2, और फिर C2 की वैल्यू आ गई बच्चों 2 λ2। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ A2 B2 एंड C2 आ गई। A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, आपको दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो आपके पास में अगर कोई दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता हो तो आप कैसे करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये क्या अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आराम से आप एक काम कीजिए, A1 B1 C1 की वैल्यू A2 B2 C2 की वैल्यू रखिए आराम से, डोंट गेट कंफ्यूज्ड और स्केयर्ड और फियर्ड ऑफ कि भैया यहां पर लेमडा 1 है वहां पर लेमडा 2 है, आराम से आप निकाल रखिए, और लेमडा 1 लेमडा 2 ऊपर से नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से और नीचे से लेमडा 1 लेमडा 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इस तरीके से आपके पास में एंगल आ जाएगा। So, यहां एंगल निकालने के लिए आपको केवल डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे, आपको खामखा पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं थी कि आप जब ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगी या वाई जेड प्लेन को कट करेगी, क्यों इतना समय बर्बाद करें हम। सो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, अगली एक और प्रॉब्लम लिखिएगा, फाइंड कंडीशन फॉर विच अ फॉलोइंग लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। फाइंड कंडीशन
फॉर विच फॉलोइंग लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, आवश्यक स्थिति बताइए जिसके लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंब कोणीय प्रतिच्छेद करें। बच्चों वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। देखिए आपको ये जो है बच्चों एक प्लेन की क्वेश्चन ये दे रखी, एक प्लेन की क्वेश्चन ये दे रखी। जाहिर सी बात है जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर एक लाइन बनेगी। जब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या बनेगी, एक लाइन। और आपको बोला है कि इनसे जो इंटरसेक्शन लाइन बनी, ऐसे ही इन दोनों प्लेन से जो इंटरसेक्शन लाइन बनी, उन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट किया, ऑर्थोगोनली, यानी उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। आपको कंडीशन बतानी है। तो देखिए जो आपके पास में पहला वाला प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस ए वाई। अब जेड नहीं लिखा यहां पर, मतलब जीरो जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो। सो पहले प्लेन की इक्वेशन ये है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन अगर आप देखें तो जीरो एक्स प्लस सी वाई माइनस वन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। क्या मैंने सही करा है बच्चों? पहले वाले प्लेन की इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिखूं, वन एक्स माइनस ए वाई प्लस जीरो जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ऐसे ही बच्चों जीरो एक्स प्लस सी वाई माइनस जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सो आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में पहले वाले प्लेन की इक्वेशन को ऐसे लिखा, दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन को ऐसे लिखा। अब इनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, वही घिसी पिटी सी बात। और उस इंटरसेक्शन लाइन के डी आर एस मैंने क्या सपोज कर लिए, ए वन बी वन और सी वन मैंने ये सपोज कर लिए इसके डी आर एस। अब ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, फिर वही बात, ये लाइन में है, वो इस प्लेन में है, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के भी नॉर्मल होगा। और प्लेन पर नॉर्मल क्या है, वन माइनस है जीरो, और इस लाइन के क्या है, ए वन बी वन सी वन। सो ए वन ए टू, ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे यहां पर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम। सो ए वन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो वो तो कुछ मिला ही नहीं हमको। और बी वन के टाइम पर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस वन और इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो, बहुत अच्छी बात। और सी वन, सी वन के टाइम पर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई सी और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, और इज इक्वल टू लेमडा वन सपोज कर लेंगे। सो यहां से आपको ए वन की वैल्यू मिली ए लेमडा वन मिली, बी वन की वैल्यू आपको मिली लेमडा वन, और सी वन की वैल्यू आपको मिली बच्चों सी लेमडा वन। ये आ चुका, ये आपके पास में इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से जो, इन दोनों की इंटरसेक्शन जो लाइन बनेगी उसके डीआरएस आ गए। आगे ऐसे ही दूसरी लाइन के हमने डीआरएस ए टू बी टू सी टू मान लिए, ए टू बी टू सी टू मान लिए। अब यहां पर जो दूसरे जो दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं, ये दोनों प्लेन्स भी जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर लाइन बनेगी, और उनकी क्वेश्चन क्या होगी, वन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स माइनस ए डैश इंटू वाई प्लस जीरो इंटू जेड माइनस बी डैश इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर दूसरी वाली क्या, जीरो इंटू एक्स हुआ प्लस सी डैश इंटू वाई हुआ माइनस वन इंटू जेड हुआ प्लस डी डैश इज इक्वल टू जीरो। अब इसके डीआरएस आपने मान लिए ये, फिर वही बात होगी कि लाइन प्लेन में है तो प्लेन पे नॉर्मल, लाइन के नॉर्मल होगा तो लाइन के नॉर्मल होगा। सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर भी वही होगा बच्चों, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो आपके पास में ये आया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, ए टू बी टू सी टू। तो वो सिमेट्री से वैसा का वैसा ही आना है, हालांकि ये मुझे करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था पर फिर भी मैंने कर दिया। तो ये ए टू आ गया, ऐसे ही बी टू की वैल्यू क्या होगी, लेमडा टू, और सी टू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सी लेमडा टू, ये सी डैश लेमडा टू। ये मुझे इतना सब करने में, मुझे जैसे हमने पहला वाला कर लिया तो दूसरा वाला मुझे वैसे के वैसे लिख ही देना था, क्योंकि ये है ए लेमडा वन तो वो ए डैश लेमडा टू, वो है लेमडा वन तो वो लेमडा टू, ये सी लेमडा वन तो वो सी डैश लेमडा टू। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए ये पहली वाली इक्वेशन में जब ए की जगह ए डैश बी की जगह बी डैश सी की जगह सी डैश डी की जगह डी डैश कर देता हूं तो सेकंड वाली इक्वेशन बन जाती है। सो वो सिमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है आपको, बिल्कुल एक जैसी दे रखी है, सिमिलर किस्म की।
A has been replaced by A dash, B has been replaced by B dash, C has been replaced by C dash and D has been replaced by D dash. So similarly, मैं जैसे मैंने A1, B1, C1 निकाला, वैसे मैं A2, B2, C2 निकालता था. तो A2, B2, C2 मेरे पास आ चुका है, A1, B1, C1 मेरे पास आ चुका है और ये गिवन है कि इन दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री और कोण है 90 डिग्री यानी कि cos थीटा की वैल्यू होगी 0. तो 0 यानी कि A1, A2 प्लस B1 और B2 प्लस C1 और C2 इज इक्वल टू 0. और A1 का जहां तक सवाल है तो बच्चों वो है A लेमडा 1 और ये है A डैश लेमडा 1 और ये क्या है बच्चों लेमडा 1 और वो है लेमडा 2. और C1 का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो है C लेमडा 1 और ये क्या है बच्चों C डैश लेमडा 2. अब इन तीनों में से क्या हो रहा है, ये इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि एंगल 0 था, एंगल 90 डिग्री था. इन तीनों में से मैंने क्या करा बच्चों, लेमडा 1 लेमडा 2 कॉमन निकाल दिया, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 2 कॉमन निकाला. सो ये आ गया A डैश और ये हो जाएगा 1 प्लस C C डैश इज इक्वल टू 0. सो दैट यू कैन से A डैश प्लस C C डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द डिजायर्ड कंडीशन बच्चों, ये वो आवश्यक परिस्थिति आ गई जिसके लिए दोनों दी गई रेखाएं एक दूसरे को लंब कोणीय 90 डिग्री पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही थी. A डैश प्लस C डैश प्लस 1 इक्वल टू 0. तो सिंपली आपको पहले दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन के DRS चाहिए तो दूसरी लाइन के DRS चाहिए थे. भाई आपको तो एंगल के बारे में बात करनी, आप क्यों खामखा उसकी इनकी इक्वेशन निकालने को जाएं, तो कैसे काम करेंगे आपको समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिएगा. अभी यहां पर बच्चों इनकी इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशंस को मैं निकालने का एक आसान तरीका और कर सकता हूं. क्या, जरा देखिए, जो पहली वाली इक्वेशंस हैं उसे मैं एक्स माइनस बी बराबर ए वाई और जेड माइनस डी बराबर सी वाई क्या नहीं लिख सकता बच्चों. मैं बी को इधर लेकर आ गया तो एक्स माइनस बी इक्वल टू ए वाई आ गया, जेड माइनस डी इक्वल टू सी वाई आ गया. अब यहां पर बच्चों मैं इसे एक्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई और जेड माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई क्या नहीं लिख सकता. अरे बी को इधर ले आया, डी को इधर ले आया तो ऐसी हो गई. फिर मैंने ए से डिवाइड किया, सी से डिवाइड किया तो ये ऐसी हो गई. और यहां पर जरा आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये एक्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई यानी वाई अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी क्या नहीं लिख सकता बच्चों. ये एक्स माइनस बी अपॉन ए है, ये वाई अपॉन वन है और ये जेड माइनस डी अपॉन सी है. कांट आई राइट दिस, देखिए है ये आपके पास आ चुका. सो ये जो है बच्चों आप देखिए, क्योंकि ये भी y है ये भी y है, जब दोनों को इक्वल कर दो आप भाई, ये भी y x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू y और y बराबर ये, सो ऑब्वियसली तीनों इक्वल हो गए और ये तीनों इक्वल हो गए. मतलब ये जो दोनों प्लेन्स थे ना, अब पहला वाला प्लेन और दूसरा वाला प्लेन, इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है. वी पीपल हैव गॉट द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू गिवन प्लेन्स. हमने इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण निकाली, वो ये डायरेक्ट आपके पास में इक्वेशन आ गई. अब आप देखिए ऐसे ही जैसे पहले दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन की क्वेश्चन निकाली, वैसे दूसरे दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, एक्स माइनस बी डैश अपॉन ए डैश और y अपॉन वन और इज इक्वल टू क्या, जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश. सो दिस इज द इंटरसेक्शन लाइन्स इक्वेशन ऑफ द सेकंड टू प्लेन्स. तो ये पहले दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण ये, दूसरे दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण ये, और ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. सो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0. व्हाई, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन इन द प्रॉब्लम कि दिस टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो थीटा इज 90 cos 90 0 cos 90 0 मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. सो यहां और आसानी से काम हो गया. सो आपने अगर इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी तो आप जो वो सारा तरीका अपनाते हो कि A1 B1 C1 मानकर फिर वो कभी ना कभी XY प्लेन को या YZ प्लेन को या ZX प्लेन को कट कराते हो, वैसे ही अगर आप कभी सपोज प्लेन सी इक्वेशन को इस तरीके से अगर आप कर पाते हैं कि चलिए हम एक काम करते हैं, दोनों से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम दोनों प्लेन से भाई पहला वाला प्लेन जो दे रखा है दूसरा वाला प्लेन जो दे रखा है दोनों से वाई की वैल्यू निकाली, उन दोनों को इक्वल कर दिया जैसा मैंने यहां पर करा, तो भी आपके पास में लाइन आ जाएगी जैसा मैंने यहां पर करा, क्योंकि यहां छोटी छोटी सी इक्वेशन से होने को यहां भी हो जाएगा. जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये आपके पास है. और फिर यहां पर क्या एक्स और मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0. यहां पर भी वही काम कर सकते हैं कि चलिए z इक्वल टू 0 मान लिया. अब z इक्वल टू 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 5
ये हो गया, और यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस फोर जेड प्लस वन, ये फिर आप 2 से डिवाइड, यहां पर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर क्या होगा माइनस फोर जेड प्लस वन अपॉन टू, और यहां तो ये है ही सही। सो पहली वाली लाइन की क्वेश्चन क्या होगी x अपॉन वन इज इक्व टू माइनस टू वाई माइनस फाइव। अब देखिए ये भी x है ये भी x है, है ना, ये भी x है ये भी x है, दोनों को इक्वल कर दिया तो यहां पर भी इसके भी अपॉन में वन ही है और इसके अपॉन ये क्या है माइनस फोर जेड प्लस वन अपॉन टू। इस तरीके से भी ये इनकी इंटरसेक्शन लाइन आ गई। भाई अगर मुझे इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो मैंने जेड इक्वल टू जीरो मान लिया भाई, क्योंकि लाइन कभी ना कभी तो एक्स वाई प्लेन को कट करेगी ना, बस वही लॉजिक अपनाया, या ऐसे ही वाई को वाई जेड को करेगी ऐसे जेड एक्स को, तो जेड इक्वल टू जीरो कर दिया, यहां से एक्स की वैल्यू निकाली वो ये आई, यहां से एक्स की वैल्यू निकाली वो ये आई। आगे साहब अब आपने क्या करा, इधर से एक्स की वैल्यू निकाली इधर से एक्स की वैल्यू निकाली दोनों को इक्वल कर दिया तो एक्स अपॉन वन और इसके अपॉन में कुछ लिखा मतलब वो भी वन है और इसके ये। सो इस तरीके से आपके पास में पहले वाले जो दोनों प्लेन, ये जो दोनों प्लेन्स थे इनकी इंटरसेक्शन लाइन आ गई। आप पिछले सम्स को भी इससे करके देख सकते हैं बच्चों, मैं एक्स वाई प्लेन को कट कराऊं या वाई जेड प्लेन को कट कराऊं या जेड एक्स को प्लेन को कट कराऊं या एक्स वाई बराबर थ्री एक्स बराबर थ्री को या वाई बराबर टू को या जेड बराबर माइनस फाइव को कट कराऊं, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो पिछली जो प्रॉब्लम्स आपने दो तीन प्रॉब्लम्स करी इस लेक्चर के दौरान, और आप चाहें तो उनको भी इस मेथड से करके देख सकते हो।